बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यह आज से करीब 22-23 साल पहले की बात है, जब मैं अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ा करता था। मैं बड़े शौक से स्कूल जाया करता था। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं बड़ा लायक था, मैं बड़ा जीनियस था और मुझे बड़ा शौक था स्टडी करने का। उसकी वजह ये थी, बल्कि उसकी दो वजह थी। पहली वजह ये थी कि अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मुझे डेरे पे काम करना पड़ता, मुझे जानवरों को नहलाना पड़ता, मुझे उनको पानी पिलाना पड़ता, मुझे और भी दीगर काम करने पड़ते। तो मैं यही समझता कि डेरे से काम करने से बेहतर है कि मैं स्कूल चला जाऊं। वहां पे कम से कम क्या होगा, मैक्सिमम मुझे सबक सुनाना पड़ेगा, और अगर सबक याद नहीं करूंगा तो टीचर मारेंगे। तो मैं मार से बचने के लिए सबक याद कर लिया करता था, और इसी वजह से मेरे थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते। और दूसरी वजह ये थी कि मुझे स्कूल जाते हुए 50 पैसे मिला करते थे, रोज़ाना मुझे 50 पैसे मिला करते। और अगर कभी घर वालों की तबीयत नरम और जेब गर्म होती तो मुझे 1 रुपया भी मिल जाता, जिसका मैं ब्रेक में चाट खा सकता था, चूरन खा सकता था, लच्छा खा सकता था। ये सारी इंटरटेनमेंट हमारी ब्रेक के दरमियान होती थी। और मज़े की बात यह है कि उस ज़माने में 50 पैसे से लेकर सिर्फ 1 रुपये के दरमियान ही हुआ करती थी। और सबसे मज़ेदार सेगमेंट जो है वो ब्रेक के बाद हुआ करता था, वो था तख्ती लिखने का सेगमेंट। आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे कि तख्ती क्या होती है। हमारे टीचर कहा करते थे, तुम्हारे पास कॉपी हो ना हो, तुम्हारे पास किताब हो ना हो, तुम्हारे पास तख्ती लाजमी होनी चाहिए, तुम्हारे पास कलम लाजमी होनी चाहिए, और तुम्हारे पास उसको लिखने के लिए, उसकी स्याही के लिए दवात लाजमी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं अपने साथ ज़रूर रखता था, और मेरी ये कोशिश होती कि मेरे पास ऐसा कलम हो, ऐसी दवात हो जो क्लास में किसी और के पास ना हो। सब लड़के घर से जो दवातें लेकर आया करते थे ना, वो बड़ी सिंपल सी हुआ करती थी, लेकिन जो बाज़ार से मिलती थी वो थोड़ी महंगी होती थी, करीब 5 रुपये की हुआ करती थी। लेकिन उस वक्त 5 रुपये हमारे पास तब ही होते थे जब मोस्टली ईद हुआ करती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने घर से मिलने वाले 50 पैसे उनको जोड़ना शुरू किया, कलेक्ट करना शुरू किया, और 10 से 12 दिन बाद मैंने वो दवात जो है, वो अच्छी वाली दवात मैंने बाज़ार से ख़रीद ली। अब मैं उसको ख़रीद के बड़ा अच्छा महसूस करता, मुझे अपने ऊपर फ़ख्र होता, मैं बड़ा प्राउड फील करता कि मेरे पास वो दवात है जो क्लास में किसी और के पास नहीं है। और मज़े की बात यह है, मैं उसे लिखा नहीं करता था, मैं जस्ट उसको बैग में रखा करता, कभी उसको स्कूल में देखा करता और कभी उसको घर आके देखा करता, और अपने आप को ये फील करवाया करता कि मेरे पास वो चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ जब मैं स्कूल गया, और स्कूल जाके असम्बली में जाने से पहले मैं उसको देख रहा था, मैं उस दुआत को देख रहा था, और ख़ुद को महसूस करवा रहा था कि मैं दूसरों से बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। और मुझे नहीं आइडिया था कि जो मैं उसको दवात को देख रहा हूँ, मुझे बाकी भी कोई देख रहा है। तो जब मैं असम्बली से वापस आया तो क्लास में शोर मचा हुआ था कि भाई एक लड़की की दवात चोरी हो गई है, एक लड़के का पॉट चोरी हो गया है। तो ये केस चलता चलता टीचर के पास पहुँचा, तो टीचर साहब ने क्या किया, उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया और कहा कि सब बच्चों के बैग की तलाशी ली जाए। जब तलाशी ली गई तो मेरी जो अच्छे वाली दवात थी जो मैंने बाज़ार से 5 रुपये की ली थी, वो लड़का वो देख के कहता है, सर यही मेरी दवात है, यही मेरी दवात है जो चोरी हुई है, और इसी शहबाज ने चोरी की है। मुझे उस दवात के साथ और टीचर के सामने पेश कर दिया गया। टीचर ने पूछा, हाँ भाई ये तुमने चोरी की है? मैंने कहा, नो सर मैंने नहीं चोरी की। वो लड़का कहता है, नो सर इसी ने चोरी की है, इसी के बैग से निकली है। बहरहाल उन्होंने कहा कि मुझे कान पकड़ लो। कान पकड़ना उस ज़माने की बड़ी एक दैट वाज टफ एक्सरसाइज। मुझे कान पकड़ा दिए गए, और काफ़ी देर कान पकड़ने के बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी दुरुस्त हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। मुझे कहते हैं, आप बताओ कि तुमने दवात चोरी क्यों किया? मैंने कहा, सर मैंने चोरी नहीं किया, ये मैंने बाज़ार से दुकान से 5 रुपये का लिया था। कहते तुमने 5 रुपये का लिया था? मैंने कहा, यस सर मैंने 5 रुपये का लिया था। कहते तुमको किसी ने देखा? तुम्हारे बैग में था, तुम इसे लिखते होगे, तुमको किसी ने देखा? मैंने कहा, नो सर मैं इसे लिखता नहीं था, मैं इसको बस बैग में रखा करता था। कहते हैं, तुम्हारे पास थी, तुमने किसी के साथ शेयर किया? मैंने कहा, नो सर मैंने शेयर नहीं किया। कहते अगर ये तुम्हारी होती तो तुम किसी के साथ लाजमी शेयर करते। मैंने कहा, नो सर मैं इसलिए शेयर नहीं करता था, मैं समझता कि अगर किसी को दिखाई तो कोई चोरी कर लेगा। कहते बेटा दुआ तो तेरी अब भी चली गई, दुआ तो तुझे अब भी नहीं मिलेगी, लेकिन तुझे एक बात मैं बता देता हूँ, मैं ये नहीं जानता कि तूने चोरी किया है कि नहीं किया,
लेकिन तू के थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा है, इसलिए तुझे बताए देता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी कभी तेरे पास कुछ ऐसा हो जो किसी के पास ना हो, तो उसको लाजमी दूसरों के साथ शेयर करना। वो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लाजमी दूसरों के साथ शेयर करना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुमने अचीव किया है और जो किसी के पास नहीं है, अगर शेयर नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी प्रॉब्लम में आएगी। दैट वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल, ये तुमने देख लिया जो तुम्हारे साथ हुआ। और वो सबक, वो आज का सबक मैंने ज़िंदगी में देखा कि वो लोग जिन्होंने जिनके पास जो कुछ था उन्होंने शेयर किया, उनकी ज़िंदगी आसान हो गई और हमेशा टॉप पे गए थे। सिराजुद्दौला मुस्लिम हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। कभी बड़े सगीर की हिस्ट्री उठा के देखिए, आपको सिराजुद्दौला का नाम नुमाया नज़र आएगा। लेकिन क्या हुआ था, जब अंग्रेज़ों से जंग हुई थी तो शिकस्त खा गया, और जब उसके महल को खोला गया, उसके कमरों को खोला गया, तो उसके कमरे ऊपर तक खजानों से भरे हुए थे। अंग्रेज़ जनरल कहता है, अगर यही खजाने ये फ़ौज की फ़ौज को दिया करता, फ़ौज की तनख्वाहें ज़्यादा करता, फ़ौज को सहूलत देता, तो आज इसे हमसे शिकस्त ना खाना पड़ती। मुझे दूसरी तरफ अब्दस्तार अहदी याद आता है, जिसको उसकी माँ दो आने दिया करती थी, एक आना उसके लिए और एक आना उस बच्चे के लिए कि जिसके पास ये कुछ भी नहीं था। आज देख लीजिए, अब्दस्सत्तार अहदी सर्व करने की दुनिया में एक नाम है। जब भी खिदमत का नाम लिया जाएगा, जब पाकिस्तान में कुछ देने का नाम लिया जाएगा, तो अब्दस्सत्तार अहदी का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। आपके पास, मेरे पास जो भी है उसको शेयर करना सीखिए। वो नॉलेज की शक्ल में हो, वो वेल्थ की शक्ल में हो, वो पावर की शक्ल में हो, वो किसी भी शक्ल में अल्लाह ने आपको दिया है, शेयर करना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।